सहारनपुर के महीपुरा में उस वक्त सनसनी का माहौल बन गया जब पुलिस ने इलाके के ही घर से नशे की हालत में युवती को बाहर निकाला। मामला जनकपुरी थाना इलाके का है जहां पूरी तरह से नशे की हालत में युवती को पुलिस ने मुक्त करवाया। लोगों का कहना है कि रात कुछ लड़के युवती को घर लेकर आए, उसे शराब पिलाकर उसका रेप किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा। मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना जनकपुरी में एक सूचना मिली थी कि अनिल माहीपुरा का है, उसके कमरे में एक लड़की है, जहां पुलिस मौके पर तुरंत जाकर महिला पुलिस के मदद से उसको वहां से एक लड़की मिली है। उसको चूँकि वो अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, उसको तत्काल मेडिकल एड के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और जो भी चीज़ें तथ्य प्रकाश में आएंगी छानबीन के उपरांत उसके आधार पर जो है कार्रवाई की जाएगी। वहीं युवती अभी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। युवती कौन है और कहां की है इस बात की अब तक जानकारी पुलिस को नहीं हो पाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर की रिपोर्ट। अमरोहा पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये तीनों लुटेरे बड़ी चालाकी से गरीब रिक्शा चालकों को लूटते थे। दरअसल आरोपी पहले रिक्शा को बुक करते थे और उसके बाद रिक्शा चालक को कोल्ड ड्रिंक पिलाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। वहीं SP संतोष मिश्रा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि लुटेरों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया था। हमारी टीम द्वारा 3 ई रिक्शा का जो है बरामदगी की गई है, जिसमें से एक जो है अमरोहा देहात की ई रिक्शा लूटती वो थी और बाकी जो घटनाएं हैं इनके द्वारा कृत्य की गई है उसके बारे में पता किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। अमरोहा से नदीम अहमद, पंजाब केसरी टीवी। आगरा के थाना सिकंदरा इलाके में STF की टीम ने झांसी से अपहरण किए गए दोनों व्यापारियों को मुठभेड़ के दौरान बरामद कर लिया है। दरअसल STF को सूचना मिली थी कि अपहरणकर्ताओं ने व्यापारियों को एक मकान में किडनैप करके रखा है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और STF की टीम पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जवाबी फायरिंग में पुलिस ने दोनों व्यापारियों को मकान से बरामद कर लिया। DIG के मुताबिक बदमाशों ने व्यापारियों को झांसी से अगवा किया था। यहां पे कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के बाद अपहृतों को सकुशल छुड़ा लिया गया है। बदमाशों को उनकी घेराबंदी की जा रही है। आप जैसा कि देख रहे हैं इलाका बहुत ज़्यादा रिहायशी इलाका है, बदमाश भागे हैं, इसका लाभ उठाकर उनको आइसोलेट करने का प्रयास किया जा रहा है और अभी ऑपरेशन जारी है। फिलहाल STF ने किसी बदमाश की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन पुलिस इस मामले में अभी भी आरोपियों की तलाश कर रही है। आगरा से बृजभूषण, पंजाब केसरी टीवी। फरुखाबाद में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कुछ लोगों ने 2 दिन तक नाबालिग युवती को मकान में बंधक बनाए रखा और फिर शादी के लिए महज 60,000 रुपए में बेच दिया। बिहार की रहने वाली ये युवती कुछ दिन पहले परिजनों के डांटने पर घर से भाग गई थी, जिसके बाद इस युवती को कुछ लोग नौकरी का झांसा देकर अपने घर ले गए और वहां जाकर उस पर शादी का दबाव बनाने लगे, जिसके बाद कमालगंज थाने के रहने वाले रजनीश को ये युवती 60,000 रुपए में बेच दी गई। वहीं युवती ने पूरा मामला रजनीश को बताया, जिसके बाद युवक ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। लखनऊ आए थे, वहाँ से हमको मिला एक लेडी, वो बोली कि हम यहाँ बोले कि हम काम ढूंढने के लिए आए हैं, बोले काम मिला, हम बोले काम नहीं मिला हमको, तो हमको लेके यहाँ आई, बोली कि चलो काम दिला देंगे, जैसे तुम बेटी हो ऐसे मेरी भी बेटी है। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने युवती को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया है और परिजनों को भी सूचित कर दिया है। थाना कमालगंज में एक प्रकरण ऐसा आया कि एक लड़की को एक महिला नौकरी दिलाने के बहाने यहाँ पर ले आई और उसको कहीं शादी के केवल उसकी शादी करा करके पैसा लेने के उसके ऊपर आरोप था। इस संबंध में पुलिस को सूचना मिली और जिसने सूचना दिया उसके सूचना पर उसके एप्लीकेशन पे मुकदमा पुलिस ने कायम कर दिया है और दो लोग खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ, एक महिला जो उसको ले आई है और प्लस एक व्यक्ति जो उसकी मदद किया है, इन दोनों खिलाफ मुकदमा कायम हो गया है, इनको जेल भेजा जाएगा और जो लड़की है उसका भी ट्रेस हो गया है, वो मूलतः बिहार की रहने वाली है, वहाँ से पुलिस पता कर रही है और उसके फादर से बात हो गई है। आपको बता दें कि परिजनों की डांट से युवती घर से भागकर काम की तलाश में लखनऊ आ गई थी, जिसके बाद काम न मिलने के कारण घर वापस जा रही थी। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट। शामली में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां दबंग युवक ने अपने पड़ोस में रहने वाली 8 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की हदें पार करते हुए रेप की वारदात को अंजाम दिया।
दरअसल बच्ची मदरसे में पढ़ने के लिए जा रही थी कि तभी आरोपी उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और वारदात को अंजाम दिया। कोई पड़ोसी है? कौन है? पूरा थाला पहन रही थी, लड़की सुबह टाइम गई थी पढ़ने के लिए। अच्छा, तुम्हें बड़े भाई की लड़की है, वो घर पे थी, अकेली चली गई थी, उस टाइम पे हुआ ये। किसने करा? मोहल्ले का लड़का शावेज। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़ित नाबालिग बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया है। नाबालिग की शिकायत प्राथमिक करा रहा है, नाबालिग की तरफ से उनके माँ बाप ने डॉक्टर कराकर वैधानिक कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कब बदलेगी लोगों की सोच, आखिर कब? पंजाब केसरी टीवी के लिए शामली से सरफराज अली की रिपोर्ट। योगी राज में बदमाशों की दहशत लगातार बढ़ती ही जा रही है। ताज़ा मामला अमरोहा के हसनपुर कोतवाली इलाके का है, जहां पुलिस ने शातिर अपराधी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। हालांकि इस मुठभेड़ के दौरान एक दरोगा समेत सिपाही भी घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पिछले महीने कोर्ट की पेशी के दौरान पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। इस पे ये जो है 15,000 का इनामी कुख्यात अपराधी था, जो कि पेशी से भाग गया था और बड़ी बहादुरी का परिचय देते हुए गोलीबारी की बिना परवाह किए गए हमारी स्वाट टीम द्वारा और इंस्पेक्टर कोतवाली और इंस्पेक्टर हसनपुर द्वारा बहादुरी का परिचय देते हुए गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि अपराधी पर कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। अमरोहा से नदीम अहमद, पंजाब केसरी टीवी। बाकी खबरों के लिए लॉगिन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।